भारत के खिलाफ जुटा इस्लामी गैंग, राफेल का तोड़ खोज रहा आतंकिस्तान, तुर्की में रच रहा नापाक साजिश। दोस्तों, भारतीय सीमा पर सीज फायर का ढोंग करने वाला पाकिस्तान एक तरफ तो सीमा पार के इलाके में अपने ट्रेनिंग कैंप चला रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को अंजाम दे सके, तो वहीं दूसरी ओर वो तुर्की में अजरबैजान और कतर के साथ डिफेंस ड्रिल कर रहा है ताकि भारत के साथ अगर कभी उसका सामना हो तो हिंदुस्तान को मात दे सके। भारत के लिए ये खबर चिंता बढ़ाने वाली इसलिए है क्योंकि इस डिफेंस ड्रिल में राफेल फाइटर जेट भी शामिल हैं। ये वही फाइटर जेट्स हैं जिसे भारतीय सीमा में शामिल होने के बाद से पाकिस्तान में हायतोबा मची थी और चीन की तो नींद हराम हो गई थी। लेकिन भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला पाकिस्तान अपने फाइटर पायलट्स को राफेल के खिलाफ ट्रेनिंग तो दिलवा ही रहा है, साथ ही उसकी कोशिश ये भी है कि अपने आका यानी चीन को राफेल की टेक्नोलॉजी के बारे में मुखबिर भी कर सके। दरअसल चीन और पाकिस्तान भारत की जंगी ताकत से इस कदर खौफ में हैं कि वो किसी भी तरह कैसे भी करके वो रास्ता हासिल करना चाहते हैं जिससे वो भारत की तैयारी का तोड़ निकाल सके। भारत के पांचवी पीढ़ी के स्वदेशी विमान तेजस ने दोनों मुल्कों की नींद हराम कर रखी थी। राफेल के आने के बाद से पाकिस्तान और चीन दहशत में थे, लिहाजा इसका तोड़ निकालने के लिए इस चांडाल चौकड़ी ने यानी पाकिस्तान, तुर्की, आर्मेनिया और चीन एक मंच पर आ गए। भारत के खिलाफ चांडाल चौकड़ी, राफेल का तोड़ खोज रहा पाकिस्तान। दोस्तों, तुर्की में चल रहा एनाटोलियन ईगल 2021 डिफेंस ड्रिल ने भारत के लिए बड़ी चिंता खड़ी कर दी है क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए कतर से राफेल फाइटर जेट्स भी पहुंचे हैं। ये वही फाइटर जेट्स हैं जिसकी खरीद भारत के लिए गेम चेंजर मानी जा रही थी। फ्रांस से खरीदे गए इन लड़ाकू विमानों के साथ पाकिस्तानी पायलट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं क्योंकि अब तक पाकिस्तान के लिए रहस्य रहे इस विमान की तकनीक से अब पाकिस्तान भी वाकिफ हो जाएगा। पाकिस्तान ये भी जान सकता है कि अगर राफेल अटैक करता है तो इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। आपको बता दें कि फ्रांसीसी फाइटर जेट्स राफेल दुश्मन का काल माने जाते हैं। भारतीय हवाई बेड़े में राफेल के शामिल होने के बाद पाकिस्तान ने भी यही विमान खरीदने की कोशिश की थी लेकिन भारत के दबाव के बाद फ्रांस ने इसके लिए पाकिस्तान को इनकार कर दिया था। इसके बाद राफेल के खौफ में खाए पाकिस्तान ने खुद को सुरक्षित करने की कवायद तेज कर दी। पाकिस्तान ने अंबाला से 551 किलोमीटर दूर मौजूद मियांवाली एयरबेस को अपग्रेड किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि पंजाब प्रांत के इस एयरबेस पर पाकिस्तान ने नए पेट्रोलियम डिपो और ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ 1965 के युद्ध में इस एयरबेस का इस्तेमाल किया था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेट क्रिस्फा की सैटेलाइट इमेजेस में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने मियांवाली एयरबेस के उत्तर में कम से कम 4 पेट्रोलियम डिपो बना लिए हैं जिसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस एयरबेस की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यहां पहले से चीन में बने हुए एंटी स्टिल्थ रडार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा चीनी ड्रोन्स अक्सर मियांवाली एयरबेस से उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान बॉर्डर के पार स्थित उसके एयरबेसेस को आसानी से निशाना बना सकते हैं। इन एयरबेसेस से उड़ान भरने वाले पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारत के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों की जद में हैं। बड़ी बात तो ये है कि ऐसे हमले करने के लिए भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान में घुसना भी नहीं पड़ेगा और इसी से डर कर पाकिस्तान राफेल लड़ाकू विमान के बेस अंबाला से 551 किलोमीटर और पठानकोट से 384 किलोमीटर दूर मौजूद इस एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। दोस्तों, फिलहाल तुर्की में चल रहे एनाटोलियन ईगल 2021 डिफेंस ड्रिल में पाकिस्तान के J-17 फाइटर जेट्स भी शामिल हैं जो राफेल के खिलाफ लड़ाई का अनुभव हासिल करना चाहते हैं। इस डिफेंस ड्रिल में पाकिस्तानी पायलट्स इससे राफेल की परफॉर्मेंस को भांप रहे हैं।
ये अभ्यास तुर्की, कतर और पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है ही, चीन भी इस ड्रिल से पाकिस्तान के जरिए राफेल के तिलिस्म को तोड़ना चाहता है। चांडाल चौकड़ी की इस प्रैक्टिस में राफेल के अलावा MiG-29 भी उड़ान भर रहा है, जो भारतीय वायुसेना का एयर सुपेरियरिटी फाइटर जेट है। पाकिस्तान के लिए ये विमान भी बड़ा खतरा रहे हैं। पाकिस्तान इस ड्रिल के जरिए MiG-29 की परफॉर्मेंस जान पाए हैं। MiG-29 फाइटर प्लेन्स अजरबैजान लेकर आया, साथ ही MiG-29 का वर्जन चीन के पास भी है, इसकी मदद से राफेल के साथ अंतर भी समझ आ जाएगा। JF-17, MiG-29 और राफेल के एक साथ होने से अभ्यास के नतीजों से अजरबैजान और दूसरे देशों को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, राफेल के आने से पहले एक्सपर्ट्स इसे गेम चेंजर बता रहे थे। पाकिस्तान क्या चीन के पास भी इसकी टक्कर में ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं था जो इसके काइनेमेटिक परफॉर्मेंस और शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम के सामने टिक सके। राफेल को अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 और F-22 के जैसा बताया जा रहा था। राफेल फाइटर जेट एयर सुपीरियरिटी, एयर डिफेंस, एयर सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, रेकी, एंटी शिप स्ट्राइक और परमाणु हमले को रोकने जैसे ऑपरेशंस 1.8 मैक की स्पीड से कर सकता है। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में किया जा चुका है, जहां पर राफेल ने अपने दुश्मनों के पैर उखाड़ दिए थे। फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद इसे खरीदने वाला भारत चौथा देश था। राफेल के पास 30,000 घंटे तक फ्लाइट ऑपरेशन की क्षमता है। इसकी तुलना में अमेरिका का फाइटर जेट F-35 ज्यादा तेज रफ्तार से ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकता। इस दौरान कई तरह के हथियार भी ये ढो सकता है। राफेल के खौफ का पाकिस्तान में ये आलम है कि इधर भारत ने राफेल खरीदा, उधर पाकिस्तान ने फौरन चीन से 50 तेज लड़ाकू विमान J-10 खरीदने की डील की थी। इसके अलावा मिसाइलों की भी इमरजेंसी खरीद की थी। पाकिस्तान फ्रांस से यही राफेल विमान खरीदना चाहता था, लेकिन भारत के साथ की गई डील में इस बात की भी शर्त थी कि वो राफेल को पाकिस्तान को नहीं बेचेगा। फ्रांस ने भारत के साथ वादा तो निभाया ही था, राफेल पर काम करने से पाकिस्तानी मूल के टेक्नीशियंस को भी इसलिए मना कर दिया था ताकि पाकिस्तान को राफेल के बारे में किसी भी तरह की तकनीकी जानकारी नहीं पहुंचे। भारत की दोस्ती की खातिर फ्रांस ने कतर को भी ये विमान बेचने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के पास अभी तक कोई ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो भारत के राफेल लड़ाकू विमान को टक्कर दे सके। पाकिस्तानी वायुसेना के पास सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान अमेरिकी F-16 है। F-16 के कई स्पेयर पार्ट्स अब नहीं मिलने के कारण बहुत से विमान उड़ान भी नहीं भर सकते हैं। पाकिस्तान के पास बताए जा रहे 40 F-16 में से अभी कुल 34 फाइटर जेट्स ही बचे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ये सबसे हाईटेक विमान राफेल और Sukhoi 30 MKI की जोड़ी के आगे नहीं टिक पाएंगे। जबकि चीन के सबसे एडवांस माने जाने वाले JF-17 फाइटर जेट्स की कार्ड के तौर पर भारत के पांचवी पीढ़ी का स्वदेशी विमान तेजस भी मौजूद है। हालांकि अब तुर्की की मीडिया के मुताबिक ये डिफेंस ड्रिल 3 जुलाई तक चलेगी, जिसमें शामिल देश इस ड्रिल के जरिए पायलट्स को बिल्कुल युद्ध जैसी परिस्थितियों में अभ्यास करा रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह से बॉर्डर पार करके भारत के लिए साजिशें रचता है, ये डिफेंस ड्रिल पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर सकती है। इस ड्रिल में कतर के 4 राफेल जेट, अजरबैजान के 2 MiG-29 और पाकिस्तान के 5 JF-17 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट्स राफेल और MiG-29 दोनों से ही अभ्यास कर रहे हैं। इससे उन्हें दोनों ही विमानों के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। इन दोनों ही विमानों को भारतीय वायुसेना ऑपरेट करती है, ऐसे में पाकिस्तानी पायलट्स अब दोनों के जरिए ही राफेल के जंग लड़ने के तरीके को जान पाएंगे, ताकि भारत के खिलाफ इसका फायदा उठा सकें। और इसमें तुर्की उनकी सबसे बड़ी मदद कर रहा है, और वो फिलहाल मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की ओर आगे बढ़ना चाहता है।